सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहनों, एक बड़ी ही खूबसूरत पंक्ति है, बैलों के गले में जब घंटी जीवन का राग सुनाती है। किसान भाई बहनों, एक समय था जब खेतों की जुताई वगैरह बैलों से की जाती थी, इसलिए पशुधन किसान के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। समय ने करवट बदली और हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने खेती के लिए नए नए उपकरण ईजाद किए, लेकिन पशुधन हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है किसान भाई बहनों के लिए। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल पशुपालक से। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। पर्यावरण संतुलन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, दिल्ली में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन, रामगढ़ बेर की सबसे बड़ी मंडी और बकरी पालन द्वारा किसानों में समृद्धि। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। अब खबरें विस्तार से। मिट्टी, पानी और ब्यार, ये हैं जिंदा रहने के आधार। यह मशहूर नारा चिपको आंदोलन के प्रेरणाता सुंदरलाल बहुगुणा जी का है। आज हमारी मिट्टी, पानी और हवा तीनों प्रदूषित हो रही हैं और उसका प्रभाव समस्त जीवन पर पड़ रहा है। कई संस्थाएं इस ओर प्रयासरत हैं कि किस तरह हमारी पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, जिससे मानव जीव जंतु इस धरा पर सुरक्षित रह सकें। आइए देखते हैं कैसे। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमारे पर्यावरण पर पानी, हवा एवं भूमि को बहुत क्षति पहुंच रही है। इस खतरे को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर पिछले दिनों हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में ग्राम तोशाम में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर एन यादव ने जानकारी देते हुए बताया, पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के हम पिछले 30-35 साल से काम कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि जो आज पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति हमारे सामने है, पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, चाहे जल की बात है, चाहे वायु की बात है, चाहे जंगल की बात है, चाहे जमीन की बात है, सभी में प्रदूषण की स्थिति बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसलिए हमने इस क्षेत्र में काम करने और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। मुख्य तौर पर जब से हमारे देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रादुर्भाव हुआ है, उसके बाद से जो रासायनिक खेती हमने की, उस रासायनिक खेती की वजह से जल, जंगल और ज़मीन में बहुत प्रदूषण की विकराल स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसमें हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि अब रासायनिक खेती के इतने दुष्प्रभाव हैं, उस रासायनिक खेती को छोड़ करके हम प्रयास कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसान हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती को अपनाएं। फूल हमारे जीवन में खुशी एवं एक सकारात्मक सोच को पैदा करते हैं। यही वजह है कि हम एक दूसरे के स्वागत में इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं। इन फूलों की खेती कर हमारे किसान अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। आइए देखते हैं। पिछले दिनों नई दिल्ली के नेहरू पार्क में NDMC द्वारा एक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी के समापन अवसर पर NDMC के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार ने पुष्प प्रदर्शनी का दौरा किया और पुष्प उत्पादक किसान भाई बहनों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने हमारे संवाददाता को इस प्रदर्शनी के लगाने के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया, हमारा उद्देश्य बेसिकली ये है कि NDMC में करीब करीब 46% ग्रीन एरिया है और हम इस 46% को 50% ले जाना चाहते हैं, नंबर एक। और दूसरा, ये हमारा विचार है कि जो हमारे रेजिडेंट हैं उसको इन्वॉल्व किया जाए और इसी तरह से जो बाकी हमारे संबंधित विभाग हैं वो भी इसमें शामिल रहें। तो ये सब मिलजुल के इसका उद्देश्य ये था कि एक हम शो करें इस तरह का, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। हमारा ये विचार है कि अगले साल से हम इसको एक ना करके कम से कम नवंबर से लेके मार्च तक कम से कम 2 या 3 इस तरह के शो करें। इस प्रदर्शनी में आए हुए पुष्प प्रेमियों ने इसको देखा और अपनी भावनाएं व्यक्त की। फ्लावर शो तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, वेजिटेबल्स का भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, पेंजी की, पिटोनिया की, डेलिया की, गुलदावरी की, सबकी बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ हैं। और जो वेजिटेबल्स निकाली हैं वो भी गांठ गोभी वगैरह जो हैं, फ्लावर गोभी और सलाद पत्ता है, कई चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं। और प्राइवेट नर्सरी भी यहाँ पर हैं कई, वो भी अच्छे बीज वगैरह दे रहे हैं, ऑर्गेनिक बीज भी दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे नेहरू पार्क में आके हमें प्रकृति की सुंदरता का अनुभव हुआ है और यहाँ पे हम प्रकृति के विभिन्न रंग देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंद मिल रहा है। यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा है।
महाशिवरात्रि पर बेर का महत्व बढ़ जाता है और ये जनवरी से लेकर मार्च तक बाजार में उपलब्ध रहता है। इसकी पैदावार अर्धशुष्क क्षेत्रों में अच्छी होती है। राजस्थान का ये एक मुख्य फल है। हमारे देश में अनाज, फल एवं सब्जियों की मंडियां होती हैं, किंतु अकेले बेर की मंडी देश में राजस्थान राज्य के जिला अलवर में स्थित रामगढ़ बेर की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ का बेर जयपुर, दिल्ली, रोहतक, मथुरा, आगरा तक जाता है। यहाँ के किसान गोला, उमरान, पेमदी, छुआरा आदि किस्म के बेरों की खेती रामगढ़ में करते हैं। बेर यहाँ के किसानों की प्रमुख फसल है। गरीब की गाय कही जाने वाली बकरी आजकल अपनी परिभाषा बदलती जा रही है। जी हाँ, जो गरीब इस बकरी को लेता है वह फिर गरीब नहीं रहता। हमारे पशु वैज्ञानिक तो बकरी को एटीएम एवं चलता फिरता फ्रिज की संज्ञा देते हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राजस्थान में ज्यादातर किसान कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं। बकरी पालन कर हमारे गरीब किसान अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। बकरी किसान की सभी जरूरतों को पूरा करने में सशक्त है। हमारे संवाददाता ने पिछले दिनों राजस्थान राज्य के अलवर जिले में रामगढ़ के ऐसे ही एक बकरी पालक से मुलाकात की। उसने इस व्यवसाय को गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति बदलने का महत्वपूर्ण आधार बताया। कि मैं बकरियों का ही धंधा करता हूं। 50 बकरी है मेरे पास और इनों में ही मतलब मैं गुजारा कर रहा हूँ। 7 पीढ़ी मेरी इसको ही करती होगी। 7वीं पीढ़ी में मैं हूँ और अब मैं भी इसी धंधे को कर रहा हूँ ताकि खूब आराम से अपना गुजारा होता है। साल भर में 2 दफ़ा बजाती है और 50 बकरी इनमें हम मतलब दूध दे देते हैं। 50-60 किलो दूध दे देते हैं दोनों टाइम में। बच्चा भी पाल लेते हैं, खुद भी पी लेते हैं और मैं खूब बढ़िया तरीका से जीवारी कर रहा हूँ इससे और यही धंधा बच्चा कर रहे हैं। बदलता मौसम जहाँ सर्दी की ठिठुरन से छुटकारा दिला रहा है, वहीं कृषि क्रियाओं में भी बदलाव ला रहा है। तो आइए जाना जाए देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल। अरुणाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर, झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान तथा आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 मार्च को कुछ स्थानों पर तथा 11 मार्च को अनेक स्थानों पर वर्षा या बर्फ पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड में दिनांक 11 मार्च को कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फ पड़ने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, पशुधन किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर दुधारू पशु। आजकल हमारे बहुत से पशुपालक ऐसे हैं जो दुधारू पशु पालकर अपनी आजीविका बखूबी कमा रहे हैं। ऐसे ही पशुपालक हैं कुलदीप संधु जी, जो पशु पालकर अपने उत्पाद को भी स्वयं ही उपभोक्ता तक भी पहुंचाते हैं, जिसमें उनको अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें उनका पूरा परिवार उनका साथ देता है। हो सकता है आप लोगों को एक ऐसे सफल पशुपालक से मिलकर कुछ प्रेरणा मिल जाए और आप भी इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लें। तो आइए मिलते हैं कुलदीप संधु जी से। समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कुल वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा 17% है, जो उसे विश्व में पहला स्थान दिलाए हुए है। वर्ष 2013-14 की आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत दुग्ध उत्पादन रहा। हमारे देश में दुग्ध उत्पादन में गाय का बहुत बड़ा सहयोग है। पंजाब और हरियाणा राज्य में बहुत सारे युवा किसान पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय में लगे हुए हैं। हरियाणा राज्य के जिला पानीपत में गांव कोतपुरा के युवा पशुपालक हैं भाई कुलदीप संधु। ये साल के 365 दिन अपने पशुओं के साथ व्यस्त रहते हैं। गायों की देखभाल खुद मैं फार्म पे यहाँ रहता हूँ, दूसरा भाई मार्केटिंग करता है और मैं यहाँ फार्म पे गायों को संभालता हूँ। और जैसा मौसम होता है उस हिसाब से गायों की देखभाल चलती है और उस हिसाब से चारा पानी देना होता है। और उसके बाद जो है ना, जो मेडिसिन वगैरह है उसको भी हम एलोपैथी की बजाय होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में देते हैं। और कोई भी हम एंटीबायोटिक कम से कम यूज़ करते हैं और हमारा दूध तकरीबन ऑर्गेनिक ही माना जाता है जी। इन्होंने एक गाय से शुरू कर वर्तमान में इनके पास 130 होस्टन फ्रीजन गाय हैं, जिनसे प्रतिदिन 600 से 700 लीटर दूध उत्पादन होता है। 1994 में जगदीश संधु द्वारा शुरू की गई डेयरी आज पूरे परिवार के सहयोग से फल फूल रही है। जगदीश संधु के 2 पुत्र हैं, एक डेयरी प्रबंधन का काम देखते हैं और वहीं दूसरा मार्केटिंग के कार्य में लगा हुआ है। ये अपनी डेयरी में दूध के अलावा खोया, पनीर, दही, घी एवं छाछ बनाकर सीधा उपभोक्ता को वितरित करते हैं। इनके दूध एवं अन्य उत्पाद को ग्राहक बड़ी उत्सुकता से खरीदते हैं। ग्राहकों का इनकी डेयरी के प्रति शुद्धता का विश्वास है। दूध, दही, मक्खन बिकता है, उसकी क्वालिटी हम चेक करके ही यहाँ पर सप्लाई करवाते हैं। और ये ओम डेयरी जो है 6-7 साल से यहाँ पर काम कर रही है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कई साल से इनसे दूध ले रहा हूँ और क्वालिटी बहुत बढ़िया है और मलाई भी अच्छी आती है। और हम तो इनको कहते हैं कि आप सारे प्रोडक्ट लॉन्च करो। वैसे पनीर और मावा तो हमने किया है ट्राई, बहुत बढ़िया है। और बाकी दही वगैरह भी ये शुरू कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छे होंगे। 6 महीने से ले रहे हैं लगातार, 2 ले लेते हैं, 3 किलो भी ले लेते हैं, पनीर भी लेते हैं, मावा पनीर सब कुछ लेते हैं, सही मिलता है। ये संधु साहब ये डेयरी का बहुत बढ़िया दूध है और हम कई साल से ले रहे हैं। ये दूध बिल्कुल प्योर है और कोई इसमें मिलावट नाम की चीज़ नहीं है। और पनीर भी आता है इनका, वो भी बिल्कुल शुद्ध आता है। और वह जो दूध निकालने का और सारा इनका बहुत बढ़िया सिस्टम है, सारा टेक्निक सारी अच्छी है, मॉडर्न टेक्निक से ये सारा करते हैं। कॉलोनी में यहाँ और पानीपत की अनेक कॉलोनियों में ये दूध सप्लाई करते हैं और इनका दूध गुणवत्तापूर्ण है, सबका विश्वास है और इनका दूध देने लाइनें लगती हैं। दूध के अतिरिक्त जो है ये मावे का और इसका पनीर जो है ये भी इसकी भी सप्लाई करते हैं। और हमें खुशी है कि अब ये पैकेज जो मिल्क प्रोसेसिंग है, पैकेज मिल्क भी सप्लाई करने की योजना बना रहे हैं। इस डेयरी कार्य में कुलदीप संधु को परिवार के अन्य सदस्यों की भी पूरा सहयोग मिलता है। गाय का दूध बेचते हैं जी हम, इसमें पानी की बूंद भी नहीं डालते। मैं बच्चों को भी यही सिखाते हैं भाई पानी नहीं डालना,
और गाय सुबह वक्त 4 बजे उठा देते हैं, बच्चा ने भी नौकरा नो भी आन का बच्चे संभालना है और फिर यू दूध निकालना है, दूध बेच का हुआ है, फिर सारा घर जो बच जाए उसका दूध दही पनीर ये बनाते हैं, बच्चों को भी नौकरों को भी सब जो बचा है वो भी अपना बांटते हैं, गाय गोए ने संभाला है सारा चारा चूरा अपने आप हम खड़े होकर मेरे घर वाला और हम सारा आप संभाला है, खुद सारा काम करते हैं। पापा को हमने जैसे शुरू से ही देखा है कि इतना वर्क करते हैं पापा, और जैसे सुबह पापा जैसे यहीं डेयरी में ही सोते हैं और हम देखते हैं भी हमें टाइम भी नहीं दे पाते, पापा सिर्फ गायों को ही जैसे रात को 1-1 बजे संभालना, गायों को डिलीवरी इनकी करवानी, नौकरों को जैसे आगे एडवाइस करना भी इस तरह से करो इस तरह करो, उसी तरह हमने भैया को भी देखा है सुबह 4 बजे 3 बजे उठ उठ के यहाँ फार्म पे आते हैं, हमें इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि जैसे बच्चे आते हैं के लिए पापा से बात करें या नहीं, वो सिर्फ यहीं पर सोना भी यहीं पर और काम भी मतलब नौकरों के साथ भी खुद मिल के लांगरी डाल के खुद हमने मेहनत करते देखा है पापा को, और इस ऊंचाइयों पे शुरू स्टार्टिंग से ही ऐसे बढ़ते जा रहे हैं पापा, और एक गाय से शुरू किया था कि जिस घर से और अब ये इतनी गायों के ऊपर जैसे 100-150 गाय हैं हमारी, तो जैसे अब आगे जैसे काम बढ़ जाए प्रोडक्ट जैसे डिलीवरी करते हैं पापा, भैया जाते हैं पापा उनको बताते कि इस तरह करना है इस तरह करना है, अब जैसे पैकिंग में भी शुरू हो रहा है काम, जैसे पनीर खोया वगैरह दही लस्सी ये सारे प्रोडक्ट आगे हमारे ओम डेयरी के हरि ओम डेयरी के नाम से आने शुरू हो जाएंगे। हमारा दूध मार्केट में मैं हम खुद कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं 46 रुपये पर लीटर, और मेरी गाड़ी टाइम टू टाइम सुबह 6 बजे गाड़ी निकल जाती है, मैं ड्राइवर के साथ खुद जाता हूँ मार्केट करने, और जो पानीपत का पोश एरिया है जैसे यमुना एन्क्लेव सेक्टर 18 अंसल और एलडीगो इन सभी कॉलोनियों में हमारी दूध की सप्लाई है, दूध के साथ साथ हम मावा और पनीर जो कस्टमरों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो चीज़ें उन्हें मुहैया कराते हैं, और हमारी क्वालिटी हम मेंटेन रखते हैं, इसके लिए मैं साथ खुद अपने ड्राइवर के साथ खुद जाता हूं ताकि किसी तरह की कोई मिलावट दूध में ना हो सके, NDRI से ट्रेनिंग ली है इसके लिए, और सारा काम बिल्कुल ही प्रॉपर वे में तो सफिशियंट हमारा वो होगा रेट जिसमें रीजनेबल रेट के साथ मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट उतारने वाले हैं। आधुनिक तकनीक द्वारा ये अपनी डेयरी को चला रहे हैं, इन्होंने सर्दी गर्मी एवं बरसात को ध्यान में रखते हुए पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन ले रहे हैं। खुराक में हम जो ना खुद अपना फीड तैयार करते हैं उसमें मक्की है, बाजरा है, ग्वार है, सोया है, और सरसों खड़ है, बिनोला है, और मिनरल वगैरह मिनरल विटामिन से होते हैं उसके अंदर, और गर्मियों के दिनों में हम जो है ना उसको मक्की चारा खिलाते हैं, साइलेज वगैरह खिलाते हैं, और गर्मियों में हम इनके लिए हमने तालाब बना रखा है जिससे वो गर्मी, क्योंकि ये ठंडे इलाके की गायें हैं, हमने सारी गायें चफ रखी हुई हैं जो कि 25 लीटर से स्टार्ट होकर के 40-42 लीटर तक की हमारे पास गायें हैं। कुलदीप के पिता जगदीश संधू आजकल बायो फर्टिलाइजर बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। मेरा जो है ना पहले मैं सर्विस करता था, और उसके सर्विस के दौरान ही मैंने बच्चों को सेट करने के लिए ये डेयरी फार्म का काम शुरू किया। ये सुना जाता था, सुनने में आता था, लोग यूँ कहते थे कोई प्योर दूध दे ही नहीं सकता, तो मेरे विचार में मन में एक विचार आया कि भाई हम क्यों ना लोगों को प्योर दूध दे रही है, लोगों की जो धारणा है कि हर आदमी मिलावटी देता है उसको दूर करने के लिए मैंने काम शुरू कराया। अब इसको मेरे बेटे संभालते हैं कुलदीप संधू, जिसका अपना भी इंटरव्यू लिया है, वो इसके फार्म की देखभाल करता है, और जो छोटा बेटा मेरा संदीप संधू वो मार्केटिंग का काम देखता है, इसके साथ हमारा फिशरी का भी काम है, वो फिशरी पे भी काम करता है। अब क्योंकि इस व्यवसाय में जो ना खर्चे ज़्यादा हैं और किसान अपने खर्चे मीट विद नहीं कर पाता, और काफ़ी लोग निराश होकर काम बंद छोड़ देते हैं, तो मैंने ये ठानी है कि इस प्रोफेशन को भी फायदेमंद बनाना है, और उसके लिए मैंने अभी मैं केरला में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेकर आया हूं, और मैं हरियाणा सरकार और भारत सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने बायो मैन्योर का काम करने की ठानी है, और ये गोबर से मैं बायो NPK मैं तैयार करने जा रहा हूं, जो आप ये ड्रम देख रहे हैं इसमें हम गाय का गोबर, पेशाब
और जो है ना रॉक फॉस्फेट एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, उसके बाद इसमें कुछ बैक्टीरिया मिलाए जाएंगे जो इसको वाटर सोल्यूबल कर देंगे। ये काम मैं डॉक्टर पी कमलासन पिल्लई जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट नारडेप हैं उनकी देखरेख में कर रहा हूँ। डेयरी के 130 गायों को सारे साल हरा चारा मिले इसके लिए 25 एकड़ जमीन है जिसमें जई, बरसीम, मक्का, ज्वार आदि हरा चारा उत्पादन करते हैं। साथ ही अजोला हरी काई द्वारा भी दुग्ध उत्पादन के बतौर खुराक पशुओं को खिलाते हैं। मौसम के हिसाब से ही इनको फीड वगैरह मिलती है और दूध के हिसाब से पर गाय को 500 ग्राम पर केजी के हिसाब से हम फीड देते हैं। मैं युवाओं भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं अपने काम में खुश हूँ उसी तरह कोई दो भाई भी अपना काम भेड़ बकरी पाले, भैंस पाले या गाय पाले तो अपना रोजगार स्वयं करें। इधर उधर नौकरियों की बजाय ये कार्य करने से दो चार भाइयों को और भी रोजगार मिलेगा और हमारे को दूध लस्सी घी पनीर वो भी अपने को खाने को सेहत के लिए बहुत मतलब प्योर मिलेगा और सभी घरों वालों को भाइयों को भी काम मिलेगा और मैं तो अपने सारे परिवार के साथ बिल्कुल खुश हूँ ये कार्य करके। और जो है ना इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी युवा वर्ग वाले भाई अपना स्वयं काम जोड़े। आजकल तो सरकार ही बहुत प्रोत्साहन दे रही है, बहुत ही जो है ना लोन वगैरह मिल रहे हैं और सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट दे रही है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार सभी परिवार के सदस्यों की मदद से कुलदीप संधू आज सफलतापूर्वक अपनी डेयरी का काम चला रहे हैं। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36-44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/krishidarshandd, फेसबुक पर facebook.com/krishidarshandd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/krishidarshandd। भेजे हमें मेल krishidarshandd@gmail.com पर। तो किसान भाई बहनों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपकी मुलाकात हमने कुलदीप संधू जी से कराई और आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर मिली होगी और उनसे प्रेरणा भी मिली होगी। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। जाते जाते मैं आप लोगों को कल प्रसारित होने वाले कृषि दर्शन के कुछ कार्यक्रमों की जानकारी भी दे देता हूँ। खबरें खेती की और मंडी के ताज़ा भाव तो रहेंगे ही, इसके अलावा जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा वो होगा कि कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा किस तरह से किसान भाई बहनों की सेवा कर रहा है। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।